अमर वीरांगना रानी लक्ष्मी बाई की मूर्ति को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाने पर सियासत तो गर्म है ही, लेकिन जो एमसीडी का काम है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है उस मूर्ति को दूसरी जगह लगाने की, उसका काम चल रहा है। फिलहाल एमसीडी से जो जानकारी मिली है उस हिसाब से 3 दिन से ये काम लगातार जारी है, लगातार चल रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये किस जगह है। देखिए, नगर निगम ये काम कर रहा है, ये डीडीए की लैंड है। ये मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा, क्योंकि यहाँ पर जो शाही ईदगाह कमेटी है उसकी तरफ से हाईकोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि ये जमीन वक्फ की है और यहाँ पर नहीं लगाया जाए। लेकिन बाद में हाईकोर्ट की तरफ से ये बात साफ हो गई कि ये जमीन डीडीए की है, और क्योंकि डीडीए ने इसी काम के लिए और मूर्ति लगाने के लिए जमीन को अलॉट कर दिया है, तो मूर्ति लगाई जा सकती है। फिलहाल जब ये बात क्लियर हो गई हाईकोर्ट की तरफ से, उसके बाद से ही उस आदेश का पालन करते हुए नगर निगम की तरफ से इस मूर्ति को लगाने के लिए जो काम है वो किया जा रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन यहाँ पर है, जो स्मारक है वो बनाई जाएगी और फिर यहाँ पर मूर्ति को लाकर लगाया जाएगा। फिलहाल मूर्ति जो है वो उस गोल चक्कर पे लगी है जो रानी झांसी रोड के नाम से मशहूर है, और वहाँ क्योंकि ट्रैफिक की समस्या काफी ज्यादा है, जिसको लेकर बीते सालों में सरकार की तरफ से पास किया गया एक प्रपोजल कि फिलहाल उस मूर्ति को वहां से हटा के दूसरी जगह लगाया जाए, जिसके लिए डीडीए ने ये लैंड दिया, एमसीडी पे काम कर रहा है, और जब काम हो जाएगा तो जानकारी के मुताबिक मूर्ति वहां से हटके यहां लगा दी जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर राजनीति भी खूब चल रही है, लेकिन जो एमसीडी का काम है फिलहाल वो भी साथ साथ हो रहा है। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ मध्य एबीपी न्यूज दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.